खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कल सुहाग का पर्व करवा चौथ है और इसीलिए जो पति पत्नी के रिश्ते की डोर होती है वो कैसे मजबूत हो, आपका ये व्रत सफल हो, उसके लिए पहले से तैयारी करना जरूरी है। तो आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज गुरुजी बताएंगे कि कल के व्रत में आपको क्या रखना है ध्यान, किस तरह करनी है तैयारी और इसके अलावा रोजमर्रा वाली बातें तो होंगी जिसमें आप राशिफल जानेंगे, परवरिश टिप, जन्मदिन, विचार, सब कुछ होगा। तो चलिए इस खास एपिसोड की करते हैं शुरुआत। राम राम गुरु जी। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों ढेर सारा राजपा और सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। गुरु जी, करवा चौथ का जो व्रत है उसकी खास बातें क्या हैं और क्या कोई खास उपाय भी है जिसे करने के बाद आज के दिन कल जो व्रत रखने जाएंगे सुहागने वो व्रत सफल हो जाए? देखिए, जितनी भी विवाहित स्त्री उनके उनके जो भाव है इस व्रत के पीछे वो बेहद पवित्र है, बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारा भी ये फर्ज है कि उनकी मदद करें, कुछ ना कुछ उनको ऐसा ज़रूर बताएं जिससे कि उनका जीवन बेहतर। बस ध्यान से आप सुनते जाइए, कुछ मुहूर्त में बताऊंगा उसको नोट कर लीजिए जिससे अभी से आपका माइंड मेकअप हो जाए कि कल क्या करना है, क्या क्या करना है। करवा चौथ के व्रत के बारे में धर्म सिंधु में लिखा है, निर्यन सिंधु में लिखा हुआ है और व्रतराज में लिखा हुआ है। इसके अनुसार ही हमें व्रत पूजा उपवास करने चाहिए। अपने मन से कभी कभी कुछ गलत चीज़ जोड़ने से अच्छा नहीं भी रहता है। यूँ तो बहुत सारी परंपराएं हैं, वो बदलती हैं, उसमें बदलाव आना भी चाहिए समय के अनुसार, लेकिन कुछ बदलाव ऐसे हैं जो नुकसान ज़्यादा करते हैं। खैर, निर्जला व्रत का दिन है ये, लेकिन यह मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ गर्भवती महिलाओं को और जो बीमार हैं दीदी लोग और महिलाएं लोग, वह इस दिन निर्जला व्रत नहीं भी कर सकती। भगवान जी ऐसे नाराज़ नहीं होते, ठीक है ना, कहीं ऐसा कष्ट जिनको मत दे दीजिएगा जिससे कोई बड़ा नुकसान हो जाए, ठीक है ना। तो निर्जला व्रत का सामान्यतः ये दिन है जब रात में बाल चंद्र के दर्शन होते, यानी बाल चंद्र क्या, जो चंद्रमा जस्ट उगता है तुरंत उसको देख लेना चाहिए, उगा हुआ जो एकदम पूर्ण रूप में आ जाता है उस चंद्रमा की बात नहीं हो रही है। तो बाल चंद्र के दर्शन के रात बाद ही व्रत को खोला जाता है। स्त्रियां ये उपवास इसलिए रखती हैं जिससे कि उनके जो जीवन साथी हैं वो लंबी आयु प्राप्त करें, वह स्वस्थ रहें, उनके मार्ग के कांटे दूर हों, इसलिए वो ये उपवास रखते हैं। और ये कठिन उपवास है और इसकी इज्जत करनी चाहिए हर जीवन साथी को कि उसकी जीवन संगनी उसके लिए उपवास रख रही है, इसलिए समय पर ये उपवास वो खुलवाएं। घर में भी इस दिन ऐसी सभी स्त्रियों को विशेष रूप से मान सम्मान मिलना चाहिए जो ये उपवास रख रही हैं। सास सुबह सुबह सर्गी खिलाती हैं, ठीक है, और सूर्योदय से पूर्व ये सर्गी खा लेनी चाहिए और उसके बाद फिर व्रत प्रारंभ करना चाहिए। इससे पहले अच्छे से जल भी खा लेना चाहिए, जल भी ले लेना चाहिए, जल भी पी लेना चाहिए। एक संकल्प बहुत आवश्यक है, सूर्य उदय होते ही एक संकल्प कीजिए, अपने इष्ट के सामने बैठ जाइए और जिस हेतु आप पूजा कर रहे हैं वो अपने इष्ट को बताइए तो सही कि हम किस हेतु आपकी पूजा कर रहे हैं। और इसके लिए एक मंत्र है, लिखिए, मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। मैं सुख सौभाग्य के लिए, अपने जीवन साथी के लिए, घर के परिवार के लोगों के लिए, श्री के लिए इस व्रत को कर रही हूं, अपने इष्ट को ये बताइए। चांद निकलने का एक मुहूर्त जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अभी बताता हूं, उसको देखने के बाद ही फिर ये आप व्रत पूर्ण कीजिएगा।
और कोशिश कीजिएगा। पति देवो से मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी जीवन संगनी आपकी आयु के लिए यह व्रत उपवास करें, कठोर व्रत है। और अनेक स्त्रियों को खाना भी स्वयं बनाना होता है, ये देखिए, और बाकी कार्य भी उनको करने होते हैं। ऑफिस में जो जाती हैं स्त्रियां, वो ऑफिस भी जा रही हैं, छुट्टी तो होती नहीं है, फिर भी वो आपके लिए ये कार्य कर रही हैं। इसलिए समय पर आइए और जल पिला के, कोई मिठाई खिलवा कर आप उनका ये व्रत खुलवाइए। तो बिल्कुल ये है सही तरीका, ये है सही समय। क्या कुछ आपको कल करना है जिसे कल का व्रत जो है वो आपका बहुत अच्छे से सफल हो जाए, उसका पूरा फल आप लोगों को मिले। लेकिन और भी कई सारी बातें हैं करवा चौथ से जुड़ी हुई जो हम गुरुजी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आज का राशिफल सुनिए। मेष वृषभ मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि, आपके लिए दिन अच्छा है, कुछ नई सोच है, नए कार्य है, आपके कार्य आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन स्वास्थ्य थोड़ा नरम है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, इस दिन पके हुए भोजन का दान जरूर करिएगा। वृषभ राशि, अचानक कहीं जाना आना पड़ सकता है, भागदौड़ हो सकती है, जिन लोगों को सर आंख की दिक्कत है वे अपना विशेष रूप से ध्यान रखें, छोटी सी सावधानी, इस दिन आपका धन खर्च हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर ठीक रहेगा, चिंता ना करें। शत्रु मित्रवत रहेंगे, उपाय क्या करना है, भगवान शिव की उपासना करें, अपने काम पर जुटें। मिथुन राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, भाग्य पक्ष बली है, आपको लाभ मिलेगा, कुछ नए रिश्ते भी आपसे जुड़ सकते हैं, कुछ रिश्तों से प्रेम भी आपको मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा, लेकिन एक छोटी सी सावधानी, इस दिन बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान दें और उनसे झगड़ा झंझट ना हो, ये भी ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे, ओम नमः शिवाय का जप जरूर कर लें। कर्क राशि, आपके लिए यह दिन अच्छा है, प्रशंसा मिल सकती है, कुछ रुका हुआ कार्य आगे बढ़ सकता है, लेकिन एक छोटी सी सावधानी, इस दिन जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय नहीं लें जो समाज में प्रतिष्ठा की हानि करा दे। उपाय क्या करना है, ओम नमः शिवाय का जप करें, शिवलिंग का अभिषेक करें, फिर काम पर जुटें। तो ध्यान से सुनते जाइए अपनी सावधानियां और उपाय, क्योंकि दिन को अच्छा बनाना है और कल के लिए तैयारी भी तो करनी है। उससे पहले परवरिश टिप गुरु जी, वो क्या है, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, यदि बच्चे बहुत दुबले पतले हैं और उनको खाना प्रॉपर तरीके से पचता नहीं है, तो भोजन से आधा घंटा पहले एक छोटा अमरूद उन्हें जरूर खिला दिया करें, काला नमक लगा के, इससे उनके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये वो बात है जो शुरू से ध्यान में रखने वाली है, और जब मामला बच्चों का आता है तो हम वैसे भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अब उन लोगों की बारी जिनका है आज जन्मदिन, गुरुजी उनको साल के हाल का इंतजार है, तो जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें हम लोग की ओर से, पूरी टीम की ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, नए काम बनते दिखाई दे रहे हैं, पुराने जो रुके हुए कार्य हैं वो और आगे बढ़ेंगे, उससे आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई नई विद्या अर्जन भी हो सकती है और उससे आपको लाभ भी मिल सकता है। तो एक आगे आने वाले 12 महीनों का स्वागत कीजिए, कुछ कठिनाई मार्च से सितंबर के बीच में आपको जरूर महसूस होगी, लेकिन अंततोगत्वा उससे लाभ हो रहा है आपको, इसलिए चिंता ना करें, कुछ नया सीखने की कोशिश करें। एक बात बताऊं, किसी बुजुर्ग से या गुरु से आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी या गुरु सानिध्य आपको मिल सकता है आगे आने वाले 12 महीनों में, जो जीवन में आपके रास्ते खोल देगा। कुल मिलाकर अच्छा समय हुआ ना, अब परेशानी आपको अपने शरीर की है, उसका ध्यान रखें और उसके लिए सबसे बड़ा उपाय है भोजन बहुत सादा लें, गरिष्ठ भोजन अब आपको सूट नहीं करेगा, और बहुत ज्यादा तनाव ना लें, नंगे पांव थोड़ी देर घास पर जरूर टहला करें, और हर बृहस्पतिवार के दिन आप पके हुए भोजन का दान अवश्य कर दिया करें, जिसमें बेसन की कोई ना कोई चीज अवश्य हुआ करे या चने की दाल जरूर हुआ करे, सब ठीक हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। साल का हाल आपने जान लिया, क्या अच्छा होने वाला है, कहाँ रखना है ध्यान, बस वो उपाय जरूर कर लीजिएगा जो गुरु जी ने आपके लिए बताया है। गुरु जी, मेरे मन में एक प्रश्न आता है करवा चौथ को लेके, कि अक्सर देखा गया समाज में कई लोग ऐसे भी हैं जो कुंवारी लड़कियों को भी व्रत रखवा देते हैं,
इस भावना के साथ कि भाई उनको अच्छा पति मिले, तो क्या ऐसा करना उचित है? और आजकल तो मैं नया ट्रेंड देख रही हूँ कि गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स वो भी इस करवा चौथ के त्योहार को मना रहे हैं, तो इससे इसके पीछे जो त्योहार की भावना है या जो असल रिश्ते हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ता है? ये तो कोई बात ही नहीं हुई। दरअसल ये पत्नी है ना, जीवन साथी के लिए रख रही है, ठीक है ना। जीवन साथी अपनी जीवन संगनी को ये व्रत खुलवाएंगे जी। अब जिनके जीवन साथी है ही नहीं, अभी बात चल रही है, बात कब मटेरियलाइज होगी नहीं होगी, तो इसकी जो पवित्रता है, किसी भी पूजा की पवित्रता कभी खंडित मत कीजिए, उससे फायदे नहीं होते नुकसान ही होते हैं। तो जिन बच्चियों को पति के लिए जीवन साथी की प्राप्ति के लिए उपाय करने हैं, उनके लिए बहुत उपाय हैं, वो करें। लेकिन ये पूजा जो है, ये जो उपवास है, ये जो व्रत है, ये केवल जीवन साथी के लिए ही कर सकते हैं बस। तो आप जरूर रखिए इस बात का ध्यान, क्योंकि त्योहार अगर पूरी भावना और पवित्रता के साथ, खासतौर पर व्रत यदि उसमें जुड़ा है, वैसे मनाया जाए तो अच्छा लगता है और सफल भी तभी होता है। गुरु जी, कोई विशेष उपाय जिससे ये व्रत सफल हो? सुनिए, इस व्रत में आपने उपवास किया, उपवास आपने सफलतापूर्वक पूर्ण किया, उपवास खोला, अब आपको कुछ दान निकालना है। क्या होगा? अन्न कितना भी हो सकता है, जितना आप देना चाहें। अन्न, कंबल, लोहे का कोई सामान या लोहे का बर्तन, यह सब आपने दान के लिए निकालना है और अपने पति के साथ जाकर दान कर दें, या दिन में निकाल के रख दें और पति को बोल दें दान कर दें। यह उनके स्वास्थ्य पर और आप दोनों के मध्य के संबंधों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आज ही खरीद के रख दें। ये इसलिए एक दिन मैं पहले चीजें बता देता हूँ जिससे कि आप पहले से सारी चीजें तैयार कर दें। तो ये दिन में करवा सकते हैं और या फिर रात में व्रत वास पूर्ण करके भोजन आदि लेकर आप दोनों साथ जाकर ये दे सकते हैं, जैसा आपको सुविधा हो, लेकिन ये कर जरूर दीजिएगा। उसके साथ साथ यदि पति पर कोई संकट चल रहा है, चाहे स्वास्थ्य का या अन्य कोई भी संकट हो, तो चूंकि आप इस दिन एक साध्वी की तरह व्रत उपवास कर रही हैं और आप जप कर रही हैं, नहीं करती हैं जप तो जप कर लीजिएगा, अपने इष्ट के सामने बैठकर विशेष प्रार्थना कर लीजिएगा, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद विशेष प्रार्थना कर लीजिएगा, किसकी करनी अभी मैं बताऊंगा, और उसके बाद वह रक्षा सूत्र उनके दाहिनी कलाई में बांध दीजिएगा। कलावा भी हो सकता है, सफेद रंग का धागा भी हो सकता है, लाल रंग का धागा भी हो सकता है, पीले रंग का धागा भी हो सकता है, बांध लीजिएगा। प्रभु की कृपा से आप जिस मंतव्य से यह व्रत उपवास कर रही हैं वह मंतव्य पूर्ण होगा। मंतव्य तो यही है ना, मेकअप मंतव्य थोड़ी है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना मंतव्य थोड़ी है, मंतव्य तो यही है जीवन साथी सुखी हो, वो सुखी होगा, तो आप दोनों लोगों का जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखी हो। आप देखिए, दान का दान है और उपाय का उपाय है और आपका व्रत भी सफल हो जाएगा, तो बिल्कुल मत भूलिएगा, जरूर कीजिए ये उपाय। और अब दिन का शुभ शुभ समय जान लीजिए, गुरु जी वो क्या रहेगा? पहले अशुभ समय फिर शुभ समय। दो मुहूर्त नोट कीजिए, 11:44 से 12:29 तक गुलिक काल होगा, सुबह 10:41 से 12:06 तक यमगण काल होगा, सुबह 7:51 से 9:16 तक, और राहु काल होगा दोपहर में 12:06 से 1:32 तक। शुभ समय नोट कीजिए, इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं मिल रहा है, लेकिन अमृत काल मिलेगा सुबह 9:12 से 10:56 तक। तो ध्यान रहे, दिन का कोई भी महत्वपूर्ण काम यदि आपका है, कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं, कुछ बड़ा शुरू करने जा रहे हैं, तो शुभ समय पर ही कीजिए। और अब राशिफल, जो बीच की चार राशियां हैं गुरुजी, उनका दिन कैसा होगा? यानी सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल सुनिए। सिंह राशि, धन की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर समय अच्छा है, प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ेगी आपकी और आप परेशानियों से बचेंगे, लेकिन एक छोटी सी सावधानी, वाद विवाद मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? अनाज का दान दीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, क्रोध से बचना है, बाकी कुल मिलाकर यह दिन
अच्छा है, ऊर्जा है आपके अंदर, कुछ अच्छा नया विशेष काम भी आप कर सकते हैं। बस एक छोटी सी सावधानी, वहां ध्यान से चलाएं, ऊर्जा का दुरुपयोग ना करें वहां। बाकी एक छोटा सा उपाय कर ले, बेसन की मिठाई का दान करें, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। तुला राशि, यह दिन आपके लिए थोड़ा सा कमजोर है, धन की दृष्टि से यह दिन थोड़ा सा कमजोर है, परिवार में भी अशांति रह सकती है, लेकिन सावधानी एक जरूर बरतें, इस दिन क्रोध ना करें और एक छोटा सा उपाय कर लें, अपने इष्ट का थोड़ी देर ध्यान करें और फिर खुशी खुशी अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, खूब मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत विशेष लाभ होगा, लेकिन एक छोटी सी सावधानी आपको जरूर बरतनी है, इस दिन बड़े बुजुर्ग से या आपके सीनियर से, बॉसेस से आपके संबंध खराब ना हो। उपाय क्या करेंगे दिन को बेहतर बनाने के लिए? उड़द की दाल का दान अवश्य कर लें। तो उपाय और सावधानियां राशियों के हिसाब से आप नोट करते चलिए। और अभी एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको नोट करवानी है, वो है पूजा का मुहूर्त। गुरु जी, करवा चौथ की पूजा के लिए सही मुहूर्त क्या है? कल किस समय आपने किस प्रकार से व्रत उपवास करना है वह लिखिए। सुबह 6:23 से रात को 8:16 तक ये उपवास का समय है। करवा चौथ की जो पूजा होती है वह होगी शाम को 5:50 से 7:05 के बीच में, किसी भी समय। चंद्रोदय लगभग 8:16 के आसपास होगा, 15 आगे पीछे भी यह हो जाता है। तो चंद्रोदय होने के बाद, चंद्र दर्शन करने के बाद आप पूजा करेंगे। सबसे पहले भगवान शिव, पहले तो आपने चंद्रमा को जल दिया, उसके बाद भगवान शिव का नाम लिया, ओम नमः शिवाय का 11 जप कर लीजिएगा, माता पार्वती नमः 11 जप कर लीजिएगा, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश जी की भी आपने पूजा करनी है, और उसके बाद आपने व्रत को पूर्ण करना है। आप अपने जीवन साथी के हाथ से जल ले लीजिएगा, और ये एक अच्छी स्वस्थ परंपरा है, या मिठाई आपको जो अच्छा लगता हो वो कहिए, वो देंगे, और कोई उपहार अगर वो दे दे तो क्या कहना, नहीं देंगे तो धमका दीजिएगा उपहार। तो इस प्रकार से आप इस उपवास को पूर्ण कीजिएगा। देखिए, हर पर्व उत्साह, उमंग, खुशियां भी लाता है, तो एक तरफ व्रत उपवास पूजा का गंभीरता से पालन होना चाहिए और दूसरा आपस में कुछ ऐसी टिटोली भी होनी चाहिए। तो ये समय अभी से नोट कर लीजिए और प्रभु आपका मंतव्य पूर्ण करें, ऐसी मेरी कामना है। तो ये है वो बिल्कुल सही समय जो गुरुजी ने आपको नोट कराए हैं, जिससे आप कल की पूजा पूरे विधि विधान और अच्छी तरह, अच्छी भावना के साथ करें। और अब अंतिम चार राशियों की बात, गुरुजी उनका राशिफल, यानी धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, ये अच्छा समय, इस समय का सदुपयोग करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। बस किसी चीज के लिए जल्दबाजी मत कीजिएगा और किसी की कही बात पर आंख मूंद कर विश्वास करने से आपको नुकसान हो सकता है। सावधानी क्या बरतनी है इस दिन? शांति से, धैर्य से निर्णय लें। उपाय क्या करना है? बेसन की मिठाई का दान करें, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मकर राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रशंसा मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक छोटी सी सावधानी, इस दिन आप किसी की निंदा ना करें। उपाय क्या करना है? उड़द की दाल का दान कीजिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, वक्त आपके लिए अच्छा है, इस दिन रुके हुए कार्य आगे बढ़ा सकते हैं आप। विद्यार्थियों के लिए यह दिन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन एक छोटी सी सावधानी, इस दिन अपने बड़े बुजुर्गों का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा और एक छोटा सा उपाय कर दीजिएगा, इस दिन मिठाई मित्रों को जरूर बांटिएगा। मीन राशि, वक्त आपको आगे बढ़ाएगा, लेकिन कुछ बाधाओं के साथ थोड़ा धैर्य रखिएगा और कहीं आप अटकें तो बुजुर्गों का साथ पकड़िएगा, आपको जरूर लाभ होगा, इस दिन आपके बॉसेस भी आपकी मदद करेंगे। एक सावधानी लेकिन आपको बरतनी है, इस दिन वाहन ध्यान से चलाइएगा और धारदार चीजों से थोड़ा दूर रहिएगा। उपाय क्या करना है दिन को बेहतर बनाने के लिए? ओम नमः शिवाय का जप करें, अपने काम पर जुटें। अब दिन तो अच्छा हो गया और कल के दिन के लिए आपको कौन कौन सी तैयारी करनी है, क्या रखना है ध्यान, वो भी आपने जान लिया।
तो इसी शुभकामना के साथ आपके कल का व्रत सफल हो। हम कल आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले वो आज का विचार भी सुनते जाइए जो दिन को और अच्छा बना देगा। सुनिए एक छोटा सा विचार, हमेशा याद रखिए जो रिश्ते होते हैं ये विश्वास की डोर से बनते हैं, महज औपचारिकताओं से नहीं। औपचारिकताएं हैं, विश्वास नहीं है रिश्ता नहीं टिकेगा। विश्वास है और औपचारिकता नहीं भी है तो रिश्ता अखंडित रहेगा। देखा कितनी गहरी बात आज के दिन गुरुजी ने आपको समझाई है। रिश्ता कोई डील नहीं है, ये आपसी प्रेम और विश्वास से ही चलेगा, ऐसे ही निभेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपका दिन शुभ हो। कल की तैयारी जो मैंने बताई है वो समय पे करें। आपको खूब सौभाग्य मिले, मेरे सारे माताएं बहनें उनको खूब सौभाग्य मिले, इस कामना के साथ राम राम नमस्कार माता की जय। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, कल फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार।